नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सलोनी शर्मा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन में। फतेहपुर जिले में अमर शहीद परिवार के सम्मान में क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। आईपीएल की तर्ज पर आयोजित टूर्नामेंट में जिले के कई टीमों के खिलाड़ियों ने भाग लिया। इस टूर्नामेंट का मुख्य उद्देश्य जिले के उन अमर शहीदों को सम्मान दिलाना है जिन्हें कोई याद नहीं करता, जबकि देश की स्वतंत्रता में उनका नींव की ईंट की तरह बहुमूल्य योग है। ऐसे अमर शहीदों के सम्मान में और जिले के गांव के होनहार खिलाड़ियों को शुभ अवसर प्रदान कर उन्हें आगे के टूर्नामेंटों के योग्य बनाने हैं और आगे बढ़ने की प्रेरणा जगाना है, जिससे खेलों को प्रोत्साहित किया जाए। अमर शहीद जो हमारे क्षेत्र में हुए हैं उनको कोई सम्मान अभी तक नहीं मिला और उनको हमने सबको एक मंच पे लाकर यहाँ पर खड़ा कर दिया। तो इसको खेल के माध्यम से हमने सबको जोड़ा है और एक संगठन का निर्माण किया है जिसका नाम है ग्रामीण युवा क्रिकेट यूनियन। वहीं हरदोई में पुलिस की गाड़ी में धक्का लगाने का वीडियो वायरल हो रहा है। एक आरोपी को मेडिकल के लिए लेकर आई पुलिस की गाड़ी बंद हो गई थी, जिसके बाद धक्का लगाया जा रहा था। पुलिस की गाड़ी में धक्का लगाने का ये वीडियो हरदोई शहर के मेडिकल कॉलेज के ठीक सामने का है। कोतवाली देहात थाने की एक गाड़ी एक आरोपी को लेकर मेडिकल कराने के लिए मेडिकल कॉलेज आई हुई थी। आरोपी का मेडिकल हो रहा था, इसी बीच पुलिस की गाड़ी बंद हो गई, जिसके बाद काफ़ी देर तक पुलिसकर्मियों ने स्टार्ट करने का प्रयास किया। जब नहीं स्टार्ट हुई तो बीच सड़क पर पुलिसकर्मियों ने धक्का लगाना शुरू कर दिया। स्थानीय लोगों ने इसका वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। पुलिस की गाड़ी में धक्का लगाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लोग खूब इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि जब गाड़ी में धक्का लगाया जाएगा तो पुलिस अपराधियों को कैसे पकड़ पाएगी। फिलहाल इस प्रकरण पर पुलिस के आला अधिकारियों ने मौन साध लिया है। कानपुर में छात्र को अपहरण कर मारपीट का आरोप लगा है, साथ ही आरोप है कि पेशाब कांड को भी अंजाम दिया गया है। वहीं अधिकारियों ने मामले को संज्ञान में लेते हुए दोषियों पर कई धाराओं में एफआईआर दर्ज किया है। जांच के बाद आरोपियों पर गुंडा एक्ट लगेगा, साथ ही जांच के बाद एलआईयू धर्मेंद्र यादव पर विभागीय कार्रवाई होगी। मामले को लेकर पुलिस कमिश्नर ने कहा है कि शहर में गुंडागर्दी नहीं बर्दाश्त की जाएगी। बता दें कि मामला संज्ञान में आते ही उच्च अधिकारियों ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। घटना को अंजाम देने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है, बाकी आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। देखिए, ये पुलिस को सूचना मिली है आयुष द्विवेदी नाम के एक लड़के को 7-8 लड़कों ने जबरदस्ती उठा लिए हैं, मारे पीटे हैं और उससे अमानवीय व्यवहार किए हैं। इसमें प्रमुख भूमिका सनी यादव करके एक लड़का है जो हमारे LIU कांस्टेबल है, उनका लड़का बताया जा रहा है। जो LIU कांस्टेबल है उनकी भी भूमिका संदिग्ध है, उनके ऊपर भी मारपीट का आरोप है। इस प्रकरण में तत्काल कठोर धाराओं में FIR दर्ज कर ली गई है। 3 अभियुक्तों को हिरासत में ले लिया गया है। जो LIU कांस्टेबल है उनके भूमिका को जांच करने के लिए मैंने कह दिया है, अगर वो जांच में आरोप में सही पाया गया तो उनके खिलाफ कानूनी और विभागीय कार्रवाई कठोर की जाएगी। वहीं कासगंज में नवागत SP अपर्णा रजत कौशिक ने गुंजडुवारवा कोतवाली का औचक निरीक्षण किया। SP ने CCTV कैमरा, बैरक बंद ग्रे, मैस की व्यवस्थाओं को परखा, साथ ही रजिस्टर को चेक कर महिला हेल्प डेस्क कर्मचारियों को निर्देशित किया। SP ने कहा कि थाने पर आने वाले फरियादियों के साथ पुलिस मित्र की तरह व्यवहार करें, फरियादियों की समस्याओं को सुनकर उनकी हर समस्या की मदद की जाए। SP को निरीक्षण के दौरान कोतवाली के रजिस्टरों में खामियां देखने को मिली। SP ने खामियों को जल्द सुधार करने के आवश्यक दिशा निर्देश दिए, साथ ही कहा कि कोतवाली परिसर और बैरक बंदी गृह की साफ सफाई व्यवस्था को बेहतर रखा जाए। भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे देश के साथ साथ प्रदेश में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है, साथ ही खुशियां मनाई जा रही है। तो वहीं काशी के युवा और युवतियों में भी इसका उत्साह देखने को मिल रहा है। काशी के युवा अपने हाथों में श्री राम के टैटू बनवा रहे हैं। उनका कहना है कि ये दिन हम भारतवासियों के लिए बहुत ही गौरव की बात है।
रायबरेली के गदागंज थाना क्षेत्र में लगातार चोरी की घटना को अंजाम दे रहे हैं चोर। आपको बताते चले कि इन दिनों क्षेत्र में लगातार हो रही चोरियों से लोगों में दहशत बनी हुई है। अभी कुछ दिन पहले ही 3 मोटरसाइकिल गदागंज से चोरी हो गई थी, जिसका खुलासा आज तक नहीं हो पाया है। और आज रात के अंधेरे में एक चोर एक बार फिर घर में घुसकर लाखों रुपए का सामान उड़ा ले गए। पूरी घटना गदागंज थाना क्षेत्र के आजादपुर मजरे सूठा हरदो की है, जहां के निवासी रानी पत्नी राम प्रकाश ने बताया कि रात में लगभग 1 बजे अज्ञात चोरों ने घर में रखे बक्से में जेवरात को सुनसान जगह पर उठा ले गए, जिसे वो लोग कुल्हाड़ी से तोड़ रहे थे, जिसकी आवाज़ हम लोगों ने सुनी तो आँखें खुली। जब हम लोगों ने शोर मचाना शुरू किया तो मौके से पेटी में रखे लाखों रुपए के जेवरात लेकर चोर फरार हो गए, जिसकी सूचना डायल 112 और थाना प्रभारी को दी गई। वहीं थाना प्रभारी ने बताया कि मामला संज्ञान में है, जांच की जा रही है। उत्तर प्रदेश के हर एक जिले में कोहरे की चादर तनी है, तो वहीं शीतलहर के चलने से ठंड में भी अपना असर दिखना शुरू हो चुका है। शासन के निर्देश से छोटे बच्चों के स्कूल बंद चल रहे हैं, शासन के द्वारा अवकाश घोषित किया गया है, तो ऐसे में और सुरक्षा की दृष्टि से पीलीभीत एआरटीओ वीरेंद्र सिंह ने स्कूल जाने वाले नाबालिग बच्चों को जागरूक करने के लिए चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें जो बच्चे बिना हेलमेट और लाइसेंस के दोपहिया वाहन चलाकर विद्यालय या कोचिंग जा रहे थे, ऐसे बच्चों के खिलाफ एआरटीओ वीरेंद्र सिंह ने अभियान चलाकर चालान किया। वहीं बच्चों को जागरूक भी किया और कोहरे और शीतलहर में वाहनों की धीमी गति पर चलाएं और हेलमेट लगाकर दोपहिया वाहन चलाएं, साथ ही डीएल भी होना जरूरी है। इसी अभियान के तहत पीलीभीत एआरटीओ वीरेंद्र सिंह ने पीलीभीत के अलग अलग चौराहे पर दोपहिया वाहनों से स्कूल जाने वाले बच्चों को रोक रोक कर उनके हेलमेट और ड्राइविंग लाइसेंस को चेक किया। इसके पीछे का उद्देश्य एआरटीओ का इतना था कि सड़क दुर्घटनाओं में किसी भी बच्चे को हानि न हो, इसलिए अच्छी क्वालिटी के हेलमेट लगाकर ही दोपहिया वाहन चलाकर स्कूल जाएं। इसलिए खास तौर से स्कूली बच्चों के लिए अभियान चलाकर आज 35 स्कूली बच्चों के बाइक और स्कूटियों का चलान किया गया। भारत सरकार केंद्रीय राज्य इस्पात मंत्री फग्गन सिंह कुलसेत श्रावस्ती पहुंचे, जहां पर भाजपा विधायक रामफेरन पांडे, एमएलसी प्रज्ञा त्रिपाठी, पूर्व सांसद ददन मिश्रा, जिलाध्यक्ष उदय प्रकाश तिवारी आदि भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। केंद्रीय राज्य इस्पात मंत्री विकसित भारत संकल्प यात्रा अभियान कार्यक्रम में शिरकत की, जहां पर भाजपा विधायक के साथ ही नेताओं और कार्यकर्ताओं ने राज्य मंत्री को प्रतीक चिन्ह और साल भेंट करके सम्मानित किया। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री ने कार्यक्रम में मौजूद आम जनमानस के साथ ही सभी भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं को विकसित भारत संकल्प यात्रा अभियान के तहत शपथ भी दिलाई। बदायूं के दातागंज में पकड़ी गई अवैध फैक्ट्री बनाने वाले को पुलिस ने भंडाफोड़ करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि अगस्त के दौरान दातागंज पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि ग्राम रुदौली के जंगल में बरेली गांव से पहले कलेक्ट्रेट के बैग में अवैध स्वास्थ्य फैक्ट्री चलाकर अवैध हथियार बनाए जा रहे हैं। पुलिस ने ध्वज देकर 5 आयुक्त को गिरफ्तार कर लिया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी ने बताया कि पकड़े गए अभियुक्त की जांच की जा रही है, इनका संबंध दूसरे गृह से तो नहीं है, इन अभियुक्त के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। देखिए, एसपी देहात के निर्देशन में थानाध्यक्ष दातागंज और एसओजी की ज्वाइंट टीम के द्वारा एक अवैध हथियार बनाने के गिरोह का भंडाफोड़ किया गया है, जिसमें 5 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है। इसमें जो मेन व्यक्ति है वो बरेली का रहने वाला है और इसके साथ जो अन्य साथी उसके हैं 4, उनकी भी गिरफ्तारी की गई है और उनके कब्जे से 8 अवैध शस्त्र बरामद किए गए हैं, जिसमें 2 315 बोर की राइफल्स हैं और शेष तमंचे हैं, एक उसमें पुनिया भी है और उनकी जो बनावट है बहुत अच्छी है, जिससे ऐसा लगता है कि ये लोग अवैध शस्त्रों को बनाने में काफी सिद्धस्त हैं। 11 से 13 जनवरी तक होने वाले गोरखपुर महोत्सव का आगाज पर्यटन और सांस्कृतिक मंत्री जयवीर सिंह के हाथों होगा। वहीं शाम को बॉलीवुड नाइट के साथ विश्व प्रसिद्ध सिंगर बी प्राक के सुरों से सजेगी बॉलीवुड की रात।
12 तारीख को बॉलीवुड और भोजपुरी की सुप्रसिद्ध गायिका कल्पना पटवारी अपना जलवा बिखेरेंगी, तो वहीं अंतिम दिन यानी 13 जनवरी को कनिका कपूर युवाओं को झूमने पर मजबूर करेंगी। हालांकि महोत्सव 17 जनवरी तक चलेगा, जहां शासकीय स्तर पर विभिन्न प्रकार के स्टॉल भी लगाए जाएगी। फिल्म अभिनेता और सांसद रवि किशन ने जानकारी देते हुए बताया है कि इस बार का गोरखपुर महोत्सव बेहद खास होगा, क्योंकि पहली बार यह प्रभु राम के रसपान से सारोबार होगा, क्योंकि अयोध्या में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होने की वजह से इसका आगाज भी गोरखपुर महोत्सव से ही हो जाएगा। इस बार के महोत्सव का थीम आरोह तमसो ज्योति होगा। वहीं सांसद ने बताया कि इस बार गोरखपुर महोत्सव में स्थानीय कलाकारों को अधिक से अधिक मौका दिया जाएगा, ताकि वो अपनी प्रतिभा के साथ न्याय कर सके। इस दौरान रवि किशन ने कहा कि उनकी अपकमिंग फिल्म गोरखपुर का महादेव का टीजर भी इस महोत्सव के दौरान रिलीज किया जाएगा, जो पूरी दुनिया में एक साथ देखा जा सकेगा। उन्नाव में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पीडब्ल्यूडी, एक्सएन, एई और जेई को निलंबित कर दिया है, जहां एक्सएन हरदयाल अहिवार, सहायक अभियंता एई शाहनूर रहमान, जेई अखिल गंगवार निलंबित कर दिया गया है। बता दें कि सभी को चीफ इंजीनियर ने निलंबित किया है। तीनों अधिकारियों ने 2.1 किलोमीटर लंबी परियार सरोसी उन्नाव मार्ग के नवनिर्माण का प्रस्ताव भेजा था। सही रोड को खराब बताकर प्रस्ताव भेजा गया था। सही रोड को फिर बनवाने को 5 करोड़ का बजट मांगा गया था। प्रमुख अभियंता ग्रामीण की जांच में ये खुलासा हुआ है। वहीं रोड प्रस्ताव के गोपनीय स्थल परीक्षण में सही पाया गया है। उन्नाव के पीडब्ल्यूडी विभाग के भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई के बाद विभाग में हड़कंप मच गया है। देवबंद कोतवाली क्षेत्र के अंबेहटा शेख में किसान पंचायत में भारतीय किसान यूनियन टिकैत के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत पहुंचे। इस दौरान सदस्य और कार्यकर्ताओं ने उनका फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। वहीं कवरेज करने पहुंची मीडिया से वार्ता करते हुए चौधरी राकेश टिकैत ने बताया कि आज संगठन की मीटिंग थी, इसलिए गांव में आए हैं। लोगों को संगठित करेंगे, जिसकी कभी भी जरूरत पड़ सकती है उसके लिए लोग तैयार रहें। गन्ना का भाव अभी तक नहीं बढ़ा है। उन्होंने कहा कि विद्युत विभाग का बड़ा आतंक है। सहारनपुर में कांग्रेस के द्वारा आयोजित प्रेसवार्ता में कांग्रेस नेता इमरान मसूद और कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मुजफ्फर अली ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। प्रेसवार्ता में कांग्रेसियों ने वाराणसी और विनोद उपाध्याय के एनकाउंटर को लेकर सवाल उठाए हैं। प्रेसवार्ता में कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने कहा कि 2 नवंबर 2023 को IIT BHU की छात्रा का 3 लड़कों ने जबरन गन पॉइंट पर उसका दुष्कर्म कर वीडियो बनाया, ये निंदनीय है। आरोपियों ने जो जघन्य अपराध किया, यूपी सरकार के पास शायद गोलियां कम पड़ गई, वरना रोज टांग पर गोलियां लगने की सूचना मिलती है, लेकिन ऐसे लोगों को कुछ नहीं किया जाता। उन्होंने कहा कि CM योगी आदित्यनाथ के खिलाफ विनोद उपाध्याय चुनाव लड़े थे, उनका एनकाउंटर जरूर किया गया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो एनकाउंटर हो रहे हैं, उनकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। अदालत का काम सरकार नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में मणिपुर से नया यात्रा शुरू की जा रही है। कांग्रेस अपनी तैयारियों में लगी हुई है और मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने कहा कि श्रीराम मंदिर पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मेरी समझ में निमंत्रण नहीं आता, भगवान के घर में कौन निमंत्रण देगा? भगवान तो बुलाते हैं। भगवान श्रीराम करोड़ों लोगों की आस्था के प्रतीक हैं। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।